भारत अपने पड़ोसी मुल्क की मदद आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से करता आया है, चाहे वो वैश्विक महामारी कोरोना के समय वैक्सीन बांटने के लिए हो या फिर श्रीलंका में आर्थिक संकट के समय मदद की हो। भारत हमेशा से ही पूरे विश्व के हित के बारे में ही सोचता आया है और कुछ ऐसी ही एक मदद की थी भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क की साल 1987 में। नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में पैदा हुए आंतरिक मतभेद के बारे में, जिसके चलते भारत को ऑपरेशन पवन की योजना बनानी पड़ी थी। ऑपरेशन पवन साल 1987 में भारतीय शांति सेना यानी कि IPKF ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लट्टे से जाफना प्रायद्वीप पर नियंत्रण लेने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया था। यह अभियान लगभग 3 हफ्ते तक चला था, जिसके चलते भारत के कई जवान शहीद हुए थे, मगर इस ऑपरेशन में भारत को जीत हासिल हुई थी, जिसमें श्रीलंका को असफलता मिली थी। यह युद्ध श्रीलंका में 1983 में अल्पसंख्यक तमिल आबादी और बहुसंख्यक सिंगली के बीच शुरू हुआ था। उस समय लिट्टे यानी कि जिसे तमिल टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में तमिल मातृभूमि बनाने के उद्देश्य से एक प्रमुख विद्रोही गुट के रूप में उभरा था। वहीं सिंगली गुट भी जंग के लिए मैदान में उतर गया था। आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका की कुल आबादी का केवल 18% हिस्सा ही तमिल है और श्रीलंका की सिंगली बहुल सरकार की ओर से तमिलों के हित की अनदेखी होती रही है। इससे तमिलों में असंतोष की भावना इतनी बढ़ती गई कि उसने विद्रोह का रूप ले लिया और वे स्वतंत्र राज्य तमिल इलम की मांग के साथ उग्र हो गए। श्रीलंका के इस गृह युद्ध में भारत ने हस्तक्षेप इसलिए किया था क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच 29 जुलाई 1987 को एक शांति समझौता हुआ था, जिसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति JR वर्धने ने हस्ताक्षर किए थे। वहीं दूसरी ओर तमिल विद्रोहियों के आत्मसमर्पण की बात हुई, लेकिन इस समझौते की बैठक में तमिल विद्रोहियों को शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यह युद्ध और क्रूर होता चला गया। परिणाम स्वरूप भारत को जीत हासिल हुई थी, मगर ऑपरेशन पवन की पूरी अवधि के दौरान भारतीय सेना के 1200 सैनिक शहीद हुए थे और करीब 3000 सैनिक घायल हुए थे। इस ऑपरेशन में जीत का ताज पहनने के बाद 8 महार रेजिमेंट के मेजर स्वामी परमेश्वरम को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। चलते चलते आपको बता दें कि ऑपरेशन पवन को भारतीय सेनाओं के लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन करार दिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।